असलम क्लास दिस इज मोहम्मद हाशमजे वॉचिंग मैथ्रेटिक्स मेंशमजे बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग न्यू मॉडल पेपर जो सेकंड ईयर मैथ्स का आया है उसको डिस्कस कर रहे होंगे उसके तमाम के तमाम एक्सपेक्ट्स को डिस्कस करेंगे स्पेशली इसका सॉल्यूशन मैं आज की क्लास में आपको करवा रहा हूँ इसके कितनी एमसीक्यूज हैं कितने पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से बिलोंग करते हैं उनका सॉल्यूशन क्या है वो तमाम चीजें भी आज की क्लास के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंडली एक रिक्वेस्ट जो मैं तमाम स्टूडेंट से करता हूँ कि बेटा देखो कभी भी मॉडल पेपर आपका आता है वो मॉडल पेपर बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट होता है

फिर इधर मेरे पास टू आ रहा है पॉजिटिव के अंदर फिर थ्री आ रहा है फिर फोर आ रहा है और एंड में फाइव आ रहा है और फिर आगे बाकी के नंबर पॉजिटिव तक के अब देखो है मुझसे क्या कह रहा है? कह रहा है है कह कि भाई क्लोज ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स इसका मायने क्या होंगे अब देखो अगर मैं इसको माइनस करवाने के ऊपर जाऊंगा ना तो पहले मुझे समझना पड़ेगा थ्री कमा फाइव क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास थ्री भी काउंट हो रहा है थ्री से लेकर फाइव तक के जितने नंबर है सारे के सारे नंबर काउंट हो रहे हैं नॉर्मल सी बात है ना भाई हमारे पास थ्री से लेके फाइव तक के जितने भी नंबर आ रहे हैं

गया है अब मेरे पास 3.1 से लेके 4.9999 तक के नंबर्स आ रहे हैं जो मैंने है। जो बचेगा क्या मेरे पास? मेरे पास 3 और फाइव बचेगा और फाइव और को मैं किस, किस में रखूं अब मैं देखो मेरे पास नल सेट। नल सेट नहीं हो सकता तो है दूसरे ऑप्शन पे आ रहा है राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि भाई राउंड ब्रैकेट कहीं भी, भी आ रहा होगा इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल यानी कि सिर्फ बीच के नंबर काउंट होंगे तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही गलत हो गया आगे आ रहा है थ्री कमा फाइव क्लोज ब्रैकेट तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज इंटरवल और इसका मतलब होता है बीच के नंबर भी

बात है क्या बन जाएगा इंफिनिटी अनसेटिस्फाई हो जाएगा तो आपकी डोमेन पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं ऐसी कोई नंबर नहीं डाल सकता जिसके ऊपर नीचे जीरो आ जाए और ऐसा कब पॉसिबल होगा ऐसा उस वक्त पॉसिबल होगा कि यार अगर मैं टी पॉजिटिव का वन रखूंगा तो वन माइनस का वन, तो का वन क्या बन जाएगा यहां पे जीरो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? पर पर तो इसका, हो जाएगा। इसका क्या हुआ कि भाई कंपोनेंट का फंक्शन है यहां पे मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं टी की शर्त है कि वन से बड़ी हो क्योंकि देखो वन से बड़ी अगर वन रखूंगा ना तो वन रखने के ऊपर क्या होगा यानी कि वन से बड़ी वैल्यू होगी तभी सूरत के अंदर मेरे पास डिवीजन के अंदर जीरो नहीं बनेगा अब आप टू रखो टू माइनस का वन बन जाएगा थ्री रख दो पॉसिबल है नेगेटिव का टू रख दो पॉसिबल है नेगेटिव का वन रख दो पॉसिबल है मगर अगर आप कभी भी गलती से यहाँ पे क्या रख दो यहाँ पे गलती से भी अगर आप वन रख दोगे ना तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्लियर है इसका मतलब वन नहीं हो सकता वन से बड़ा नंबर होना चाहिए तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई टी की वैल्यू जो है ना कैन नेवर बी इक्वल टू वन यानी कि टी की वैल्यू कभी भी वन नहीं हो सकती सही है ना अब देखो तीसरा फंक्शन क्या आ रहा है के कंपोनेंट के साथ क्या लिखा हुआ है के कंपोनेंट के साथ लिखा हुआ है एल एन का टू हमेशा याद रखिएगा लॉगरिथम के अंदर डोमेन की खास शॉर्टकट

भी अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए ना

एक्स अप्रोचेस टू जीरो और आपके पास पेपर में आ जाए वन प्लस का एक्स होल पावर के अंदर वन डिवाइडेड बाय एक्स तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होता है ई e की पावर पॉजिटिव वन और अगर कभी भी आपके पास आ जाए वन माइनस का एक्स आ रहा है होल पावर में वन डिवाइड बाय एक्स एंड लिमिट इज अप्रोचिंग टू वर्सो इसका आंसर क्या होगा कि भाई अगर नेगेटिव में आपका फंशन गिवेन तो इसकी पावर में आएगा इवर नेगेटिव वन तो छोटा सा स्टेप होता है मैंने करके दिखा दिया कि किसी बच्चे को ताकि प्रॉब्लम न रहे तो देखो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वाईज इक्वल टेंजन इनवर्स अंडर रूट एक्स और डेरीविवि देना तो भाई डेरीवेटिव कैसे लिया जाता है अगेन बहुत सिंपल सी चीज है कोई परेशान होने की बात नहीं है टेंजन इनवर्स का अगर आपको डेरीवेटिव फाइंड करना है ना तो बेटा टेंजन इनवर्स रूट एक्स डेवेटिव क्या होगा देखो टेंजन इन्वर्स का डेरीवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है ये होता है

कभी भी आपको मैपल के सॉफ्टवेयर के अंदर तमाम वेरिएबल्स को अगर रीसेट करना है ना तो उसके लिए जो हम पर्टिकुलर कमांड यूज करते हैं वो रीस्टार्ट की करते हैं अक्सर बच्चे ऑप्शन नंबर सी पे टिक करके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी रीसेट गलत ऑप्शन है देखो बेटा क्वेश्चन नंबर के अंदर एग्जामिनर एरिया अंडर कर्व की या एरिया फॉर लिमिट्स की या लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है एग्जामिनर क्या कह रहा है मैं आपको शो भी करवा देता हूँ जूम करके एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई इंटीग्रेशन नीचे लोअर uh, लिमिट है ए अपर लिमिट है बी फंक्शन एफ एक्स इंटू डी कह रहे किसके बराबर होगा नेगेटिव बी एफ एक्स के ए बी एफ एक्स के नेगेटिव ए बी एफ एक्स जीरो के हमेशा याद रखिएगा फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन को समझाने के एग्जाम्पल देता हूँ कोई लेट सपोज मैं आपके सामने यहाँ पे एक इंटीग्रेशन लेता हूँ जिसकी लोअर लिमिट है थ्री और अपर लिमिट है फाइव सही है ना और मैं फंक्शन कहता हूँ x के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है तो ये पॉसिबल है करेक्ट है क्यों उसके पीछे रीजन क्या होता है देखो इंटीग्रेशन में कभी भी जब लिमिट्स आती है ना तो ऊपर वाली लिमिट को कहा जाता है अपर लिमिट नीचे वाली लिमिट को कहा जाता है लोअर लिमिट हमेशा याद रखिएगा अपर लिमिट शुड ऑलवेज भी ग्रेटर देन दी लोअर लिमिट वाइस फर्सा क्या होता है कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर अगर कभी भी

तो करोगे ग्राफ को ड्रॉ करने का मतलब होता है जमान में आपको कभी भी ग्राफ करने को कहा जाता है याद करो भाई बचपन से मैथ पढ़ते हो मतलब ये मैपल का सॉफ्टवेयर किसी को नहीं भी आता हो ना वो भी इजिली बता सकता है तो. मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक थोड़ी है भाई कर्व, प्लॉट स्केच इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा अरे भाई प्लॉट होगा उसके पीछे लॉजिक मैं आपको बता देता हूं देखो हमेशा दुनिया के अंदर कभी भी आपने मैथ्स का पेपर दिया होगा ना वहां पे लिखा होता है लव्स प्लॉट, प्लॉट ग्राफ प्लॉट दी ग्राफ कभी ये लिखा होगा कर्व दी ग्राफ अबे कर्व तो कहते हैं कॉनिक्स को ड्रा का मतलब होता है कोई भी ड्राइंग हो सकती है स्केच का मतलब होता है किसी की समझ स्केच बना रहे हो कोई भी स्केच बना रहे हो कोई पेंटिंग बना रहे हो प्लॉट एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है हमेशा तो मैपल के अंदर भी प्लॉट का फंक्शन यूटिलाइज होता है ग्राफ को डिजाइन करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े मजे का आ रहा है इंटीग्रेशन का एग्जामिनर कहता है भाई क्या बताऊं एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन बताओ किस चीज की इंटीग्रेशन बताओ e की पावर 2y डिवाइडेड बाय 1 प्लस का e की पावर 2y कैसे सॉल्व करेंगे अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व

तो भाई मेरे पास देखो नीचे क्या आ रहा है नीचे आ रहा है वन प्लस ई की पावर में टू आए तो भाई इसका ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा वन का डेरिवेटिव जीरो होता है और ई की पावर टू आई का डेरिवेटिव क्या होगा डेरिवेटिव में नेचुरल एक्सपोरेंट फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई एज इट इज एक दफा अपने नेचुरल एक्सपोरेंट को लिखना है उसके बाद क्या करोगे उसके बाद पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो टू आई का डेरिवेटिव क्या होगा टू अब देखो हमारे पास यहाँ पे e की पावर टू वाई ई e की पावर टू वाई इंटू टू ये बेसिकली नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए अभी ऊपर डेरिवेटिव क्या है सिर्फ e की पावर टू वाई है तो इसका मतलब ऊपर टू एक्जिस्ट नहीं कर रहा तो पहले आप टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे लेकर आओगे उसके बाद आप सिंपल तरीके से करवा दोगे आप डेरीवेटिव कंप्लीट और फिर आपका सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन के एलन शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई मैं सिंपल तरीके से देखो टू से डिवाइड करवा रहा हूं और ऊपर जाके हम टू से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन गया e की पावर टू हमने एक टू से मल्टीप्लाई करवाया कर पावर टू वाई अब देखो नीचे टर्म का डेरिवेटिव दिया है। तो अब सिंपल तरीके से क्या कर देंगे अब सिंपल तरीके से यहाँ पे एल शॉर्टकट को अप्लाई करेंगे तो एलन शॉर्टकट क्या कहता है देखो ये पहले जो हाफ था लिखा जाएगा एल का एलन लिखूंगा जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है एज इट इज एल का फंक्शन बन जाएगा सिंपल सी चीज है भाई ये क्वेश्चन तो आपके

बन जाएगी सिंपल तरीके से ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का मतलब क्या क्या बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस का वन स्क्वायर कह दो इसको या वन स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर कह दो बात एक ही होती है सर ये कैसे बनाया आपने भाई हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपकी पहली लाइन आ रही है उसमें उसका कॉन्स्टेंट वन माइनस का कॉन्स्टेंट टू मॉडल का मॉडल और नीचे डिविजन के अंदर रूट के अंदर ए प्लस का बी दिस फॉर्मुला बेसिकली ऑरिजिनेट फ्रॉम दी पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मुला सही है ना तो अब देखो मेरे पास अगर ये लाइन आ रही है इस लाइन के अंदर इक्वेशन गिवन है y mx तो भाई a क्या

बनेगा जाहिर सी बात है फाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे बेसिकली ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा इधर आ जाएगा तेरह माइनस का के तो के की वैल्यू किसके बराबर आएगी भाई

लाइन की इक्वेशन को अगर कंपेयर करवाऊं जर्नल इक्वेशन ऑफ अलाइन से जो क्या होती है y is equal to mx plus c होती है तो मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी और अगर आप इस सर्कल की इक्वेशन को इसकी नॉर्मल इक्वेशन से कंपेयर करवाओ तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस तो बेटा देखो आर के सामने ट्वेंटी है तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस फाइव के बट आर हमेशा पॉजिटिव का फाइव कंसिडर होगा सिंस रेडियस डिस्टेंस है तो पॉजिटिव का फाइव कंसिडर करेंगे फॉर्मूला क्या होता है बेटा ये फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर और आगे bracket. के अंदर होता है वन प्लस का एम स्क्वायर सही है ना

जो ज्यादा खींच गया हो और माइनर एक्सिस छोटा वाला एक्सिस होता है तो भाई एलिफ्स और सर्कल में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता खाली डिफरेंस क्या होता है कि भाई अगर आप सर्कल को थोड़ा सा चिपटा करके खींच दो फॉर एक्जाम्पल सर्कल है अगर मैं इसको थोड़ा सा खींच खींचकर लंबा कर दू मेरे पास क्या बन जाएगा परफेक्ट एलि बन जाएगा अब देखो बेसिकली एलिप्स का फॉर्मूला होता है एलिप्स का फॉर्मला याद करिए आपने पढ़ा हुआ हो होगा लाजमी तौर पर क्या होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ऐसा ही है और मुझे मालूम है सी क्या होता है C बराबर होता है ए यानी कि क्या बन गया स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अब देखो चूंकि मैं सर्कल की एसेंट्रिसिटी निकालना चाहता हूं मुझे मालूम

का पैराबोल है तो फोकस निकालने का पॉइंट क्या होता है जीरो कॉमा तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से बन जाएगा जीरो का फोर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है भैया ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ गया अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखिए एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है एग्जामिनर कहते हैं द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और आपको डिफरेंशियल डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब होल पावर में स्क्वायर इक्वल टू के बाद रूट के इस तरफ अंडर रूट के अंदर डी बाई बाई देखो सबसे पहले तो अगर मैं स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट कर दूं तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली क्या बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा डी क्यूब वाई डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा डी एक्स क्यूब और इक्वल टू के इस तरफ क्या आ जाएगा Dy by dx. देखो अगर आप इसको भी further simplify further simplify भी फर्दर फर्दर करवाओगे ना ये आपका हो सकता है क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है ऑर्डर एंड डिग्री देखो ऑर्डर दुनिया में क्या होता है डिग्री क्या होती है दुनिया में ऑर्डर किसी भी डेरिवेटिव के अंदर या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डर कहा जाता है जो भी आपका हाई एस्ट डेरीवेटिव होता है उसको और डिग्री बेसिकली उसी हाईएस डेरिवेटिव की पावर होती है

पावर क्यूब uh, हो जाएगी सही है ना इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा थ्री ट्वेंटी सर हो गया आपके पास सिक्सटी एक्स स्क्वायर हो जाएगा नेक्स्ट डेरिवेटिव लूंगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा कि डी की पावर फोर इंटू वाई का वाई और डिवीजन में क्या आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा सिंपल डी की पावर फोर और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्सटी टू तो देखो हमारे पास अगर हम मुझे इसकी Order निकालना। देखो ऑर्डर क्या होता है order कहा जाता है है? पे मतलब क्या है कि आपने चार दफा अपने ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है तो मेरा ऑर्डर क्या होगा चार ऑर्डर निकालना बहुत सिंपल होता है ऑर्डर तो बहुत सिंपल चीज होती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ इसी टर्म को डी इंटू फोर डी की पावर फोर वाई डिविजन में डी की पावर फोर यहाँ पे होल पावर में मैं लिख देता हूँ स्क्वायर और आगे लिख देता हूं मैं सिंपल डी स्क्वायर वाइ और नीचे लिख देता हूँ डी एक्स स्क् पावर में लिख देता हूँ सिक्स अब मैं आपसे कहता हूँ ऑर्डर क्या होगा डिग्री क्या होगा देखो ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर कहते हैं जो भी आपके पास कंप्लीट इक्वेशन आ रही है डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है ना उसमें जो डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर अब देखो यहाँ पे दो तरह के डेरीवेटिव लिए हुए हैं एक डी की पावर फोर है यानी कि चार दफा डेरीवेटिव लिया गया एक दो दफा डेरीवेटिव लिया गया तो ऑर्डर क्या होगा हाईएस पावर ऑफ द डेरीवेटिव तो हाईएस्ट पावर क्या है फोर है इसका मतलब मेरा ऑर्डर क्या है ये आ रहा है तो मेरा ऑर्डर किसके बराबर है ऑर्डर बराबर है 4 के अब डिग्री क्या होगी डिग्री कहते हैं इसी पर्टिकुलर जो ऑर्डर होता है उसी के ऊपर जो बाहर एक्सपोनेंट में पावर होती है ना उसको डिग्री कहा जाता है अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्सपोनेंट में पावर 6 बड़ी आ रही है मगर मेरा बेटा देखो ये आपका ऑर्डर नहीं था तो ये आपकी डिग्री नहीं हो सकती तो अब देखो लॉजिकली जरा बात समझो सिक्स आपका कभी भी डिग्री क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो सिक्स जिस पर्टिकुलर ऑर्डर का एक्सपोनेंट है वो आपका ऑर्डर नहीं था वो आपका ऑर्डर नहीं था ऑर्डर क्या था हाईएस्ट पावर तो हाईएस्ट पावर क्या थी फोर तो इसी का जो एक्सपोनेंट आ रहा है ना वो आपकी डिग्री होती है सर वो आपकी डिग्री होगी तो डिग्री क्या होगी मेरी स्क्वायर की होगी यानी कि डिग्री क्या होगी टू के बराबर क्योंकि देखो जिस भी पर्टिकुलर फंक्शन जो भी आपका फंक्शन ऑर्डर बनता है ना ऑर्डर कहते हैं आपके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाइएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव की वैल्यू तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है चार के बराबर

हाइएस्ट पावर की आ रही है आपके पास डेरिवेटिव की स्क्वायर तो आपका ऑर्डर क्या है टू और देखो बाहर बाहर पावर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वन तो लिखा हुआ है तो इसका मतलब डिग्री किसके बराबर होगी वन के बराबर होगी तो इसका मतलब आपका ऑर्डर टू डिग्री इज दी करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर जनरल सोल्यशन डिफरेंशियल इक्वेशन अरे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने दे रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं देखो आपके पास सिंपल तरीके से यहां पे क्या लिखा हुआ है नाइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आगे आ रहा है प्लस प्लस का फोर एक्स इक्वल टू जीरो आपको क्या लेना है भैया इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंप्लीफाई इक्वेशन पे सिंप्लीफाई कैसे करवाते हैं समझ लो एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे कर दूंगा देखो प्लस का फोर एक्स वहां चला जाएगा फोर एक्स हो जाएगा डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा

एल्सियम लोग भाई एल्सियम कैसे लेते हैं देखो टू एक्सक्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है वन मौजूद है तो सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा क्रॉस मट्टीप्लीकेशन एल्सियम करवाऊंगा तो नीचे टू का टू आ गया इक्वल टू के बाद सी का सी एज इट इज अब देखो ये यह टू यहाँ पे क्या हो रहा है ये जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां पर जाकर क्या हो जाएगा सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद टू सी तो भैया अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो भाई देखो यहाँ पे मेरे पास फोर एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन वाई स्क्वायर तो ऑप्शन नंबर ए खाली सही आ रहा है अब आप बोलोगे सर

न्यूटन रेपसन मेथड है बेसिक थ्योरेटिकल चीज आपकी किताब में भी लिखी हुई है देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सेक्शन से आपका जो है आपके राइट सर्कुलर कोन को पर कर तो आपके नेपे के ऊपर तो सर्कल का फॉर्म होता है क्यों इस चीज को समझने के लिए कैसे कहते हैं बचपन खाई है ना तो उसको समझो फॉर एक्साम्पल लेट सपोज आपके पास मैंने ऊपर नीचे करके दोन बना दिया तो ये बीच का जो पॉइंट होता है ना इसको वर्टेक्स या एपेक्स कहा जाता है मैथ्स के अंदर सही है ना हमारे पास ये वाली जो जगह होती है ना इसको सर्कुलर बेस uh, कहते हैं और इसको डायरेक्टिव भी इसका नाम होता है सर्कुलर बेस भी डायरेक्टिव भी कभी भी अगर आप अपनी कोन को हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हो या फिर आप अपनी कोन को ऐसे कट कर रहे हो कि यार आपका जो राइट right सर्कुलर कोन है ना आप उसको एक परपेंडिकुलर exactly के ऊपर कट कर रहे हो तो हमेशा आपको क्या मिलता है सर्कल मिलता है अच्छा पैराबोला कब मिलता है भाई पैराबोला उस तक मिलता है जब इंटरसेक्टिंग प्लेन जो होता है ना आपका पैडल आ जाए जनरेटर के जनरेटर कौन सी लाइन होती है ये जो कॉन्स अगर मैं दो कौन ड्रॉ करूँ तो ये वाली जो लाइन है इस लाइन को जनरेटर कहा जाता है ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको आप अपर नापे कहते हैं और लोअर वाले हिस्से को हम लोअर नेपे कहते हैं पैराबोला उस सूरत में मिलता है कि आ, अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग प्लेन जो हो वो पेडल आ जाए किसके जनरेटर के तो उस सूरत के अंदर हमें क्या मिलेगा पैराबोला मिलेगा वाइल आपको एलिप्स कब मिलता है कि अगर आपका जो प्लेन हो ना इंटरसेक्टिंग प्लेन वो हल्का सा टिल्ट हो हल्का सा स्लाइटली टिल्ट हो तो आपको एलिप्स मिलता है और आपको हाइपर उस वक्त मिलता है कि भैया जब दोनों की दोनों नेपेज जो होती है ना वो एक दूसरे के पैडल आ जाती है तो रिजल्टिंग कर्व जो आपको मिलता है वो हमेशा हाइपर मिलता है तीन चार बेसिक बातें होती है आपको हमेशा याद होनी चाहिए एपीट्यूड साइड पर हमेशा इसको पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेन होते 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 हैं कॉनिक सेक्शन इज समथिंग रियली रियली इंपोर्टेंट बेटा मैंने कॉनिक सेक्शन का आपको कुछ एक्स्ट्रा भी जान के पढ़ाए हैं ताकि आपको याद रहे ताकि आप पेपर के अंदर इजिली परफॉर्म करके आओ तो इस तरीके से हमारे ट्वेंटी और ट्वेंटी एमसीकू सॉल्व हो गए तो भाई ये MCQs की वीडियो भी आपको मिल जाएगी अपने लाजमी फ्रेंड से शेयर करिएगा कोई नई बात आपने सीखी है अच्छा अब जरा पेपर के ऊपर मूव करते हैं अब जरा पेपर भी समझ लेते हैं भाई जो न्यू पेपर आया है इसके अंदर खास बात क्या है देखो भाई ट्वेंटी मार्क्स तो हमारे पास किसके आ रहे हैं एमसीक्यूज के आ रहे हैं तो रिमेनिंग जो पेपर आ रहा है एटी मार्क्स का आ रहा है अब खास बात यह सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको चालीस चालीस मार्क्स में ब्रेक कर दिया यानी कि सेक्शन बी जो आएगा वो फोर्टी मार्क्स का आ रहा होगा मैं आपको साथ साथ यहाँ पे एक्सरसाइज

नंबर फाइव से आ रहा है एक्सरसाइज नंबर 5.1 5.2 से क्वेश्चन लिया हुआ है 5.2 का एक क्वेश्चन आ रहा है सिंपल है भाई 5.2 का एक क्वेश्चन आ रहा है सिंपल सी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई डेफिनेट इंटीग्रल्स का आ रहा है

क्वेश्चन आ रहा है मेरा बेटा बड़ा मशहूर क्वेश्चन हैप्टर सेवन का

करोगे तो पांच क्वेश्चन आपको चॉइस में मिल रहे हैं जो आ रहा है बड़े मजे का सेक्शन सी सेक्शन सी के ऊपर अगर मैं आता तो ना सी को पहले पढ़ो तरीके से। सेक्शन सी क्या कह रहा है? सेक्शन सी चालीस नंबर का आ रहा है एग्जाम कह है एक्स आंसर एनी फाइव क्वेश्चन यानी कि सेक्शन सी में भी आपको पांच क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है मगर उसने खुदारा ये चीज में रखिएगा उसने एक क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया है क्वेश्चन नंबर थ्री हर बच्चे को अटेम्प्ट करना ही करना है क्वेश्चन नंबर थ्री हर बच्चे के लिए कंपलसरी है ना और क्वेश्चन नंबर थ्री में भी चॉइस चोस है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा भी इसमें भी है चोइस गेवे ने क्या 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 मुश्किल है इसके अंदर यार बेसिक चीज है भाई इंटीग्रेशन जितनी मैंने पढ़ाई है उससे रहा है क्या मुश्किल है पहला वाला क्वेश्चन तो बच्चों वाला आ रहा है एक्सरसाइज नंबर सिक्स का आ रहा है चैप्टर नंबर का दूसरा क्वेश्चन एक्सपोनल इंटीग्रेशन का आ रहा है का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ये हमारे पास एरिया

और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे center, fosai, 9 से क्वेश्चन आ रहा है मौजूद है हमारे पास आगे दी डिफरेंशियल इक्वेशन भाई डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर टेन एक्सरसाइज नंबर टेन पॉइंट टू से लिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग मी चेक मी चेक मी चेक ये क्वेश्चन नंबर थ्री आ रहा है क्योंकि मैंने इसको भी रिसेंटली सॉल्व करवाया था स्टूडेंट्स नंबर थ्री का पार्ट नंबर टू आ रहा है

1 hour. सही है ना तो मेरा बेटा ये हमारे पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने आपको सारे क्वेश्चंस की वो भी बता दी है कि कौन सा क्वेश्चन किस से लिया गया है तो भाई ये मॉडल पेपर है मेरे नजदीक मॉडल पेपर बहुत ही आसान से है बहुत ही सिंपल सा है मैंने आपको सारे एमसी को सोल्व करके बताए सारी चीजें सोल्व करके बताई मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी बता दिए कौन सा क्वेश्चन कहां से लिया हुआ है रिमेबर दिस थिंग बेटा ऑलवेज रिमेबर दिस थिंग मॉडल पेपर किसी भी साल जो पूछा जाता है किसी साल भी जो मॉडल पेपर आते हैं मॉडल पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है तो आपने एटलीस्ट मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन को सोल्व करें दूसरे नंबर के ऊपर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के पेपर आपको मिले उन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जितने

पढ़ने वाला बच्चा होता है ना वो एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा वो बच्चा होता है जो गवर्नमेंट कॉलेज के पेपर को लाजमी सॉल्व करे दो से तीन दफा सॉल्व करे पास पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं तो किताबें चेंज हो चुकी तो पास पेपर तो ऑब्वियसली सॉल्व नहीं कर सकते आप लोग तो एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के जितने पेपर आपके हाथ लगे कोशिश करो सॉल्व करो ज्यादा सॉल्व करो गवर्नमेंट कॉलेज के एमसीक्यू स्पेशली तौर के ऊपर सोल्व करो अक्सर बच्चे एमसीक्यूज के ऊपर इतने ज्यादा ध्यान नहीं देते वो कहते हैं एमसीक्यू तो आखिरी दिन कर लेंगे ये सबसे बड़ा ब्लडर होता है रिमेंबर दिस थिंग अक्सर बच्चा जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है ना ऑन एवरेज वो जाके एमसीक्यू के अंदर सोलह नंबर पंद्रह नंबर अठारह नंबर ये मैं अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ ये मैं अच्छे बच्चे की बात बता रहा हूँ अच्छा बच्चा होता है नंबर स्कोर करता है पेपर के अंदर आप खुद देखो अगर ऑन एवरेज आप हर पेपर में तीन नंबर भी गवा रहे मैंने बहुत बहुत अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूं जो हर पेपर में एमसीक्यूज में तीन तीन नंबर भी गवा रहे हैं ना तो आपको पता है बेटा एक एम आपकी जो परसेंटेज होती है इंटरमीडिएट के अंदर वो कितने नंबर में बनती है 5.5 मार्क्स के ऊपर आपकी एक परसेंटेज बनती है आपने अगर एक पेपर में तीन नंबर के एमसीक्यूज गवा दिए तीन एमसीक्यू गलत कर दिए तो आपके तीन छह पेपर है टोटल तो सिक्स थ्री एटीन तो भाई आपकी सीधी सीधी तीन से चार परसेंटेज तो वैसे गिर गई लेट्स सपोज किसी बच्चे की एटी परसेंटेज आई है अगर वो बच्चे एमसीक्यू लाइटली लेते हैं, को दिन के रखते हैं भाई ये गलती मत करें खुदा जितने गवर्नमेंट कॉलेज के पेपर मिले उनको लाजमी के सोल्व करें मुझसे इस वॉट्सए नंबर के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर शेयर करें मैं तमाम स्टेटस में अपडेट करता रहता हूं तो भाई आपको हर किसान की अपडेट मिलती रहेगी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को भी ज्वाइन हैं कहने का मकसद ये मेरा बेटा जो आपके पास कोई गवर्नमेंट कॉलेज आए आप उसके एमसीकूस को सोल्व करवाए खुद भी सोल्व करें दूसरे से भी शेयर करें तो मुझसे भी शेयर करें तो मैं भी उसके सोल्यूशन अपलोड करवा दूंगा ताकि सारे बच्चों के हेल्पफुल हो सके बेटा जितने गवर्नमेंट कॉलेज हर सब्जेक्ट के लिए चाहे फिजिक्स थो, थो, हो मैथ्स हो केमिस्ट्री हो इंग्लिश हो पी एस टी हो सब्जेक्ट है आपके पास आप उसके गवर्नमेंट कॉलेज के पेपर को लाजम सोल्व करें उनके MC को सोल्व करें उसमें क्वेश्चन आपको दिखता है उसको लाजम सॉल्व आउट करें और लाजमी तौर पर तो यहीं यही इस क्लास को एंड करेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस पीडीएफ फाइल को अपलोड कर दूंगा आप डाउनलोड कर सकते हैं इशाला तो यहीं इस क्लास को एंड करेंगे उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खरीद मुझे बहुत सारी दुआओं में याद आदि God, thank you so much. Hashem, they are signing off.